हेलो सुपर फ्रेंड्स। सो जिस एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के प्लॉट, विलेन और कूल टीम अप्स को देखने का हम लोग वेट कर रहे थे, कई सारी फैन थ्योरीज डिस्कस कर रहे थे, मार्वल स्टूडियोज ने हम फैंस के उस वेट को और भी लंबा करने का डिसीजन ले लिया है। मतलब एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स मूवी की रिलीज डेट डिले कर दी गई है। यानी पहले मूवी 7 नवंबर 2025 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसकी नई रिलीज डेट अब 1 मई 2026 हो गई है। और सिर्फ सीक्रेट वॉर्स ही नहीं, बल्कि डेडपूल 3, ब्लेड और फैंटास्टिक फोर जैसी बड़ी बड़ी मूवीज को भी डिले कर दिया गया है। अब इनकी नई रिलीज डेट क्या है और इनके डिले का रीजन क्या है, यही मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। अब एक साल में दो दो एवेंजर्स मूवीज को देखने का जो सपना मार्वल वालों ने फैंस को दिखाया था, वो खुद मार्वल वाले ही पूरा नहीं होने दे रहे हैं। भाई सपने दिखाते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वैसे जो न्यू डेट्स आई हैं इन डिलेड मूवीज की, वो इस तरह से हैं कि ब्लेड मूवी जो कि पहले 3 नवंबर 2023 को रिलीज हो रही थी, अब वो डेडपूल 3 वाली डेट यानी कि 6 सितंबर 2024 को रिलीज होगी, और डेडपूल 3 अब 8 नवंबर 2024 को रिलीज होगी। फैंटास्टिक फोर की न्यू रिलीज डेट होगी 14 फरवरी 2025, और एवेंजर सीक्रेट वॉर्स के बारे में तो मैं बता ही चुका हूँ कि वो 1 मई 2026 को रिलीज होगी। एक तो 2025 पहले से इतना दूर लग रहा था, अब 2026 में लाइफ में क्या चल रहा होगा, ये भी एक अलग सोचने वाली चीज है। वैसे इन सारी मूवीज को डिले करने का ऑफिशियल रीजन तो नहीं आया सामने, लेकिन कुछ बिहाइंड द सीन इवेंट्स हुए हैं जो इस डिले को जस्टिफाई करते हैं। जैसे सबसे पहले ब्लेड मूवी की प्रोडक्शन के साथ सबसे ज्यादा क्लेश हुआ है। सितंबर के लास्ट में जब केविन फाइगी ने ब्लेड मूवी की स्क्रिप्ट देखी तो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि सबको फायर कर दिया। ब्लेड मूवी के लीड एक्टर माहेर्शाला अली ने भी स्क्रिप्ट को पसंद नहीं किया था, तो उसके बाद से मार्वल वाले ब्लेड मूवी के लिए न्यू डायरेक्टर और न्यू स्क्रिप्ट की तलाश कर रहे हैं। और क्योंकि मूवी का प्रोडक्शन भी शुरू ही नहीं हो पाया है, तो इसका डिले होना तो बनता भी है, क्योंकि ब्लेड मूवी मार्वल के एमसीयू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पुरानी ब्लेड मूवीज की सक्सेस की वजह से फैंस की होप्स भी काफी हाई हैं, और इसीलिए मार्वल भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता है। तो इसके डिले होने से फैंस को भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम है डेडपूल 3 के डिले होने से। मतलब अभी थोड़े दिन पहले अनाउंस किया गया था कि ह्यूज जैकमैन एज वुल्वेरिन वापस देखने को मिलेंगे डेडपूल 3 में। इतना तगड़ा रिस्पॉन्स भी मिला फैंस की तरफ से, क्योंकि वुल्वेरिन का सिर्फ कैमियो नहीं होने वाला है, बल्कि पूरी मूवी में काफी बार स्क्रीन पर देखने को मिलेगा, पर यह भी डिले हो गई। अब एक रीजन इसका जो मुझे लगता है कि डेडपूल 3 को डिले करने का रीजन, डेडपूल 3 मूवी खुद नहीं है, क्योंकि इसका काम सही से चल रहा है, बल्कि ब्लेड मूवी डिले होने की वजह से उसने डेडपूल 3 की रिलीज डेट ले ली, और डेडपूल 3 अपनी ओरिजिनल रिलीज डेट से केवल 2 महीने बाद ही रिलीज हो रही है, तो ये कोई बहुत ज्यादा डिले नहीं हुई है। इसके अलावा फैंटास्टिक फोर मूवी भी डिले हुई है, जिसका रीजन मुझे ये लगता है कि अभी भी मार्वल इस मूवी के लिए कास्ट फाइनल नहीं कर पाया है। अभी तक केवल डायरेक्टर मैट शैकमैन ही रिवील किए गए हैं, जिन्होंने वांडा विजन डायरेक्ट किया था। वैसे डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जॉन क्रिजन्सकी एज रीड रिचर्ड्स दिखाए गए थे, जो कि केविन फाइगी के अकॉर्डिंग इतने सालों से काफी सारे मार्वल फैंस जॉन को एज रीड रिचर्ड्स के लिए फैन कास्ट कर रहे थे, तो उनकी ही विश पूरी करने के लिए इनको कास्ट किया गया था। बाकी मूवी के बाद जो रिस्पॉन्सेस फैंस ने दिए हैं, उसके बाद नहीं लगता कि जॉन को एमसीयू के मेन रीड रिचर्ड्स का रोल मिलेगा। तो फिलहाल मूवी के प्रोडक्शन में ज्यादा प्रोग्रेस ना होने की वजह से फैंटास्टिक फोर की रिलीज को भी डिले कर दिया गया है, जिसका असर एवेंजर सीक्रेट वॉर्स की रिलीज पर पड़ना ही था, क्योंकि कॉमिक्स में भी सीक्रेट वॉर्स स्टोरी लाइन में फैंटास्टिक फोर की टीम का रोल काफी इंपॉर्टेंट रहा है, और एमसीयू में सीक्रेट वॉर्स फेज 6 और मल्टीवर्सल सागा के कंक्लूजन की तरह होने वाली है। पर अभी तक इसके कास्ट एंड क्रू के बारे में सब कुछ मिस्ट्री ही है। अभी तक केवल लोकी सीरीज और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के राइटर माइकल वॉल्ड्रन ही इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं। कुछ रूमर्स ये भी आए थे कि सैम रेमी के डायरेक्टर हो सकते हैं, लेकिन ये केवल रूमर ही निकला है। बाकी इससे पहले रिलीज होने वाली एवेंजर्स मूवी द कैंग डायनेस्टी, इससे कनेक्टेड होने के बावजूद ना तो सेम डायरेक्टर शेयर करेगी ना ही सेम राइटर। द कैंग डायनेस्टी को शैंगची मूवी के डायरेक्टर डेस्टिन क्रिटन डायरेक्ट करेंगे, और एंटमैन एंड द वास्प क्वांटम मेनिया के राइटर स्क्रिप्ट लिखेंगे। अब इन दोनों एवेंजर्स मूवी के कनेक्शन के ऊपर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि द कैंग डायनेस्टी मूवी की एंडिंग सीक्रेट वॉर्स के प्लॉट के लिए रिस्पॉन्सिबल तो होगी, बट दोनों अपने में कंप्लीट मूवीज होंगी। द कैंग डायनेस्टी केवल कैंग पर फोकस करेगी, जिसमें एंड में कैंग का भी द एंड हो जाए शायद, और उसके तुरंत बाद इसके आफ्टरमैथ का फायदा उठाकर डॉक्टर डूम सामने आ जाए सीक्रेट वॉर्स का मेन विलेन बनकर, जो कॉमिक्स की तरह ही बैटल वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट पर फोकस करे और हमें अनएक्सपेक्टेड और कूल टीम अप्स भी देखने को मिले। वैसे अगर बिगर पिक्चर पर इन चीजों को देखा जाए तो सही है कि इन दोनों एवेंजर्स मूवीज के बीच लगभग 1 साल का गैप हो गया, क्योंकि इससे सेम इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम वाली हाइप बन सकती है, क्योंकि 4-5 महीने तो मार्वल वाले दुनिया भर में कैंग डायनेस्टी को प्रमोट करते रहेंगे, और ऐसे में दूसरे एवेंजर्स मूवी को भी हाइप अप करने के लिए टाइम लेना चाहिए, जो कि अब सही से मिला भी है। और फैंस की उम्मीद भी यही रहेगी कि अगर ये मूवीज डिले हो रही हैं, तो फिर इन मूवीज को दमदार तरीके से बनाना भी चाहिए, जिससे कि फेज 4 की बुरी यादों को भुलाया जा सके। वैसे आपको किस एक मूवी के डिले से सबसे ज्यादा बुरा लगा, कमेंट्स में जरूर बताइए। मेरे लिए तो सीक्रेट वॉर्स है वो मूवी। बुरा तो डेडपूल 3 के लिए भी लगा, लेकिन वो फिर भी 2 महीने बाद देखने को मिल जाएगी। सीक्रेट वॉर्स को लंबा खींच दिया इन लोगों ने। खैर जो भी हो, देखा जाएगा।
तो अब आज इस वीडियो में इतना ही है, लाइक एंड शेयर कर दें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें तीनों नीले बर्फीले चैनल्स को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे दूसरे वीडियोस भी देख डालो।